4 मार्च 1992 एक ऐसा दिन जब भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे पहली बार वर्ल्ड कप में। जी हाँ, एक ऐसा दिन था जब भारत का पहली बार वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ था 1992 के वर्ल्ड कप में, और भारत की ओर से मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे और पाकिस्तान के जो कप्तान थे वो थे इमरान खान, मौजूदा प्रधानमंत्री, और दोनों टॉस के लिए उतरे थे और अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कृष्णाचारी श्रीकांत और अजय जडेजा ने पारी की शुरुआत की। लेकिन भारत को बहुत ही बड़ी निराशा हासिल हुई क्योंकि 5 रन ही बनाए थे श्रीकांत ने, वो आउट हो गए आकिब जावेद की एक गेंद पर कॉट बिहाइंड, और उस समय भारत का स्कोर केवल 25 रन था। तो इस तरह से एक बड़ा झटका भारत को लगा और उसके बाद अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन टीम के कप्तान दोनों ने पारी की का मोर्चा संभाला और 61 रन की भागीदारी करके भारत की उम्मीदें जगा दी। एक तरह से संकट से इस जोड़ी ने भारत को उबार दिया। उसके बाद हालांकि काफी उतार चढ़ाव भी आए और बीच में विनोद कांबली आए, 24 रन बनाकर आउट हुए। संजय मांजरेकर के 0 पर आउट होने से भारत और गहरे संकट में फंस गया। लेकिन उसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनका पहला वर्ल्ड कप था, उन्होंने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और 54 रन बनाए और नॉट आउट रहे, और उनका साथ बखूबी साथ कपिल देव ने निभाया और दोनों ने मिलकर 6 विकेट के लिए 60 रन की भागीदारी की। इस तरह से भारत ने 216 रन बनाए निर्धारित ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद पाकिस्तान की बारी आई और पाकिस्तान का एक छोर से विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान की ओर से आमिर सुहेल ने एक मोर्चा बखूबी संभाले रखा और बीच में उन्हें साथ मिला जावेद मियांदाद का। दोनों ने उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, 78 रन की दोनों ने मिलकर भागीदारी की। उस समय थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा था कि कहीं 216 का स्कोर कहीं बौना साबित ना हो, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। कपिल देव, मनोज प्रभाकर और श्रीनाथ ने 2-2 विकेट हासिल किए और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आमिर सुहेल का विकेट लेकर भारत की बल्ले बल्ले कर दी और एक विकेट भारत को दिलाया बाएं हाथ के स्पिनर वेंकटपति राजू ने। ये मैच सचिन तेंदुलकर का पहला वर्ल्ड कप था, उसके अलावा अजय जडेजा का पहला वर्ल्ड कप था, तमाम कई खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे। अब सच बताऊं तो ये मेरा भी पहला वर्ल्ड कप था। मैं क्रिकेट के मैदान पर नहीं था, उस वक्त मैं मुंबई के स्टूडियो में था और मैं इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित कर रहा था रेडियो के लिए। बहुत ही यादगार लम्हा था और भारत की जो जीत थी, और मुझे बस उस समय ऐसा ही महसूस हो रहा था कि ये जीत जो है सिर्फ भारत ही नहीं जीता, मैं भी भारत के साथ जीत गया। लेकिन भारत का जीत का जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं, और ना ही हम उम्मीद करेंगे ईश्वर से कि वो कभी थमे, और भारत वर्ल्ड कप में जीतता चला गया पाकिस्तान से, और आज तक भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कोई भी मैच नहीं हारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।